कटिंग लेते हैं, कटिंग लेते हैं जैसे कि समय बदल रहा है और मेकअप की जो टेक्निक्स है वो बहुत बदलाव आया है। तो पहले जो मेकअप चलते थे हम लेटर के अलावा इसे फाउंडेशन लगा के मेकअप कर लेते थे, लेकिन उसमें 100% रिजल्ट्स नहीं आ पाते थे। या फिर हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय के साथ बढ़ रही है हमारे मेकअप में बहुत चेंजेस आए हैं। आज मेकअप, पहले हम 2D मेकअप करते थे, आज 10D यानी कि 10 डायमेंशन के साथ में हम काम करते हैं। तो मेकअप में बहुत चेंजेस है। दूसरा, समय, उम्र, वातावरण और सबके अकॉर्डिंग हमें मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग लेने होते हैं, क्योंकि हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, हम सब एक व्यवसायिक है, हम परफेक्शनिस्ट के साथ में काम करते हैं, अपने परफेक्शन के साथ में अपने आर्ट को प्रमोट करते हैं। तो मेकअप एक ऐसी कला है कि सुंदर से चेहरे को या तो वो बदसूरत बना देता है या फिर एक आम चेहरे को बहुत खूबसूरत बना देता है। मेकअप के बिना कोई भी मूवी नहीं होती है। अगर मेकअप अच्छे से किया हुआ है तो आपका एक कैरेक्टर जो है वो उभर के आता है, और आज के समय की ज़रूरत है मेकअप। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं भी जाते हो तो लोग सबसे पहले आपका काम या सर्टिफिकेट नहीं देखते, आप कितने प्रेजेंटेबल हो ये देखते हैं। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो मेकअप की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मेकअप में बहुत जो परिवर्तन आए हैं उसके साथ में मेकअप के प्रोडक्ट्स में भी इतनी ही परिवर्तन है। टेक्नोलॉजीज बहुत हाई हो चुकी है और उन टेक्नोलॉजीज के साथ में हमारे सभी लोग, हमारे जितने भी व्यवसायी हैं वो अपडेट होकर काम करें। इसीलिए आज हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट मैं सब डॉक्टर नीता पारे मैं यहाँ पे हूँ, ताकि हम छोटे से छोटे शहर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किल की प्रॉपर नॉलेज होना। यही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, स्किल की प्रॉपर नॉलेज होना। अभी एक नॉर्मल सी बात मैंने आप इन लोगों को सिखाया कि फाउंडेशन, तो फाउंडेशन के कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं हमारे स्किन के अंदर, उसके अपने कलर्स होते हैं। अगर उस कलर्स स्किन से मैच करता हो, अगर आपने फाउंडेशन नहीं लिया है तो वो स्किन का जो टेक्सचर है वो पूरा चेंज हो जाता है, स्किन का जो कलर है वो टोन चेंज हो जाता है। गोरी लड़की काली भी बन सकती है, और काली लड़की जो है अगर डार्क कलर स्किन टोन है तो डार्क कलर स्किन टोन क्या होता है, और ज़्यादा सांवला दिखने लगता है, या उसका ग्रीन या ब्लू शेड नज़र आने लग जाता है, तो वो और ज़्यादा गहरा कलर उसका नज़र आता है। तो मेकअप का जो भी हम लोग चॉइस करते हैं, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको कैसे जाना चाहिए, मेकअप बॉडी लैंग्वेज कितना कैरी कर पा रही है, कौन सी लड़की कैसा मेकअप कैरी कर सकती है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो है हमारे आर्टिस्ट कई जगह फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि पर्सनैलिटी, मेकअप पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो मेकअप के प्रोडक्ट्स की सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, आपकी स्किल की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपके प्रोडक्ट आप कहाँ किस जगह पे इस समय पे सुबह का मेकअप कर रहे हो तो प्रकृति को क्या कलर मतलब पसंद आता है, या हमारी आंखों को क्या कलर पसंद आता है। अगर हम सुबह उठते हैं और कोई लाल लाल मुंह करके आपके पास आ जाए तो आपको नहीं पसंद आए। तो सुबह जो हमारी प्रकृति में कलर होते हैं वो पीच होता है, ऑरेंज होता है, हल्के कलर होते हैं, तो वो वैसे पसंद आते हैं। बिल्कुल, जो भी आर्टिस्ट होता है उसको स्किन का पता होना चाहिए कि मैं जिसका मेकअप कर रही हूँ उसकी स्किन क्या है। अगर ऑयली स्किन है तो मेरा प्रोडक्ट डर्मा का जाएगा, अगर मेरी ड्राई स्किन है तो मेरा सुप्रा का जाएगा, और मुझे ज़्यादा देर तक मेकअप टिकाना है तो मैं डर्मा और सुप्रा दोनों के साथ प्ले करूँगी। और अगर मुझे सर्दियों में यही मेकअप करना है और डार्क सर्कल भी छुपा के 12 घंटे, क्योंकि नॉर्मली एक ब्राइड की हम बात करते हैं तो 12 घंटे का मेकअप उसका लाइफ, रात पहले रिसेप्शन होता है इवनिंग में,
फिर रात के 2 बजे के फेरे होते हैं और सुबह 6 बजे विदाई होती है। तो सुबह 6 बजे विदाई तक उसका मेकअप उतना ही फ्रेश रहना चाहिए। उसके लिए आपके जो प्रोडक्ट और आपकी टेक्निक, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा पहले वो मेकअप अपना मोनोग्राम बताने लग गया है, तो उनको ये बताना चाहिए आपको थोड़े कम से कम 8 घंटे आपका ब्यूटी चल रहा है। जैसे स्किन के हिसाब से सब चीज की नजर होती है, उसको लेकर कैसे काम करें। हम एग्जैक्टली वही चीज़ें नॉलेज दे रहे थे यहाँ पे कि किस प्रोडक्ट को किस समय पे लगाना है और किस क्रम से लगाना है। मैं सुप्रा के बाद डर्मा नहीं लगा सकती, डर्मा के बाद ही मैं सुप्रा लगा सकती। तो डर्मा कितने घंटे लगेगा, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है और सुप्रा में इंग्रेडिएंट्स क्या है, अल्ट्रा में इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये तीनों का आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ लाइन है, और वो लाइफ लाइन क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट काम करता है। एक मेकअप बेस होता है जो बी वैक्स से बनता है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम निकलती है उसका बनता है। एक मेकअप बेस जो है वो सिलिकॉन से बनता है, और एक मेकअप बेस जो है वो पैराफिन वैक्स से बनता है। पैराफिन वैक्स होता है, हार्ड होता है, मोम आप समझ सकते हो कि मोम कितनी हार्ड होती है। मधुमक्खी के छत्ते की मोम कैसी होती है, जिसको हम हाथ से मसल, मोम को आप हाथ से भी मसल सकते हो। सिलिकॉन ऑयल बेस्ड होता है, वो क्रीमी होता है। तो तीनों की लाइफ में अंतर आ गया। सिलिकॉन की लाइफ अगर मैं बात करती हूँ तो वो हार्डली 2 घंटे रहती है। अगर मैं सुप्रा की बात करती हूँ, बी वैक्स की मैं बात करती हूँ, तो बी वैक्स मेरा 5 से 6 घंटे की स्टाइल लेने पर डर्मा की बात करती हूँ तो मैं 12 से 20 घंटे तक मेरे मेकअप को खींच सकती हूँ। नहीं तो फिर बारात चली जाएगी। ठीक है, तो सीखने का पार्ट ये है कि हम कंसीलिंग करने जा रहे हैं, तो कंसीलिंग कैसे करना है, डार्क सर्कल को कैसे छुपाना है। अब हमारी जो मॉडल है इसको आप देख रहे हैं, इसकी स्किन का टोन क्या नजर आ रहा है, स्किन में आपको कौन सा टोन नजर आ रहा है, अंडर टोन इसका क्या है, येलो है या रेड है, दो ही अंडर टोन होते हैं, येलो है, राइट। तो हमें क्या करना है, इसका जो बेस लगाएंगे हम क्या करेंगे, येलो टोन पे ही जाएंगे, करेक्ट, यस और नो, यस यस, घबराते क्यों हो यार। मैं हमेशा बेस जो है मुझे हाथ से लगाना ज्यादा अच्छा लगता है, रीजन बीइंग हमारे हाथों की जो गर्मी है और स्किन के साथ जब मैं वर्ष करूँ उसका जो रिजल्ट है ज्यादा अच्छा है। देखना है।
तो ऐसे में फिर उसका जो टेक्निक है वो चेंज हो जाता है, और डीप नॉलेज है वो भी, अगर अधूरा बता के जाऊंगी तो शायद ज़्यादा नुकसान करते जाऊंगी। उसको डरमा से कवर करना होता है, हिट से पढ़ देती हूँ, डरमा से कवर करना होता है, फिर उसको लॉक करना होता है, लॉक करने के बाद ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आंखों के आसपास में मसाज नहीं करके हमें डैडिंग करना, स्क्रैचिंग नहीं करना है, टैप करना है, ऑलवेज डैडिंग। कई बार ऑयली स्किन होती है, तो ऑयली स्किन में क्या होता है, जो भी हम लोग कंसीलिंग करते हैं या हम पैचेस छुपाते हैं तो वो क्या होता है, वापस निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे या हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर लेंगे और इसको स्मूथली थोड़ा सा आपको हल्का सा वो कर देना है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो पैचिंग ना हो जाए। ब्यूटी ब्लेंडर हल्का सा मैंने इसको गीला किया है मेरे प्रोडक्ट को इवन डॉट देने के लिए। आप देख रहे होंगे वो थोड़ी शाइन स्किन है, कंटोरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कंटोरिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके जो फीचर्स है उसको 3D लुक 4D लुक आप नहीं दे पाते हैं। तो आपके जो फीचर्स है अगर उसको आपको, ये तो एग्जस्ट हमने क्या किया है, ये बेस नहीं है, ये सिर्फ मैंने डार्क सर्कल्स को छुपाया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो इवेंट और नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग आए ना, मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी बेस नहीं है हमारा, अभी हमने बेस नहीं लगाया, अभी हमने सिर्फ स्किन को इवन टोन किया है, बेस अब हम अब लगाएंगे। मैंने प्रोडक्ट्स लगाए हैं 2-3 बार, लेकिन प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं, बस लेस क्वांटिटी में मैं काम कर रही हूँ। राइट, अभी हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्राइट है तो हमें क्या करना है, ब्राइट के हिसाब से हमें स्किन में ब्राइटनेस भी चाहिए। राइट, तो ब्राइटनेस के लिए अब हम काम करेंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन, साथ में इसका भी येलो टोन है, इसलिए ये फाउंडेशन ले रही हूँ मैं। फाउंडेशन आप HB का ले सकते हो, NARS का ले सकते हो, NARS का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है, हाई डेफिनेशन क्रीमी फाउंडेशन है ये मेरा, क्योंकि मेरी जो ब्राइड है उसकी स्किन ड्राई भी है, तो मैं थोड़ा सा क्रीमी फाउंडेशन ले रही हूँ, NARS का है। और इसी के साथ में मैं लिक्विड शिमर भी यूज कर रही हूँ, जिसको ल्यूमिनेटर बोलते हैं हम लोग, हाँ ल्यूमिनेटर, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी, ज़्यादा आ गया था मैंने उसको सेट कर दिया। राइट, और इसी के साथ में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे पास HD बेस बनाने के लिए, ये HD फिनिश है मॉइस्चर ग्लॉस, ये आपको चाहिए ना जाने के लिए, आप लोगों को तो संगीता मैम का प्रोडक्ट है। देखो मैंने कितना कम क्वांटिटी लिया, अभी थोड़ा सा जूम करिएगा, क्या आप देख सकते हो बहुत लेस क्वांटिटी में लिया है, बहुत कम क्वांटिटी। राइट, फाउंडेशन लिया, थोड़ा सा ल्यूमिनेटर लिया एंड HD लिया। अब मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, अगर मैंने मिक्स कर दिया तो मुझे इमिडिएटली अप्लाई करना पड़ेगा बहुत स्पीड के साथ में, अगर नहीं किया तो इसमें क्रैक्स आ जाएगा, क्योंकि बेस को हार्ड करता है, ये बेस को लास्टिंग देता है। राइट, और ग्लॉस भी देता है। तो मैं उसके पहले मुझे क्या करना है, मुझे कंटोरिंग करनी है, और मैं कंटोरिंग और ये दोनों जब साथ लेके चलूंगी तो क्या होगा,
कंट्रोलिंग के साथ लेने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ओवर कोटिंग नहीं होगी। अदरवाइज कई बार होता है कि हमारी मेकअप जो है वो ओवर कोटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी कोटिंग हो जाती है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले हम नोज से स्टार्ट करते हैं। बहुत सॉफ्ट कंट्रोलिंग के साथ काम करना है, इसीलिए मैंने पहले बेस ले लिया है। यहाँ से थोड़ी सी नाक लंबी है तो ये भी मैंने यहाँ से कट कर लिया। हमारे स्किन के अंदर हील्स एंड वेली, हमारे फेस के अंदर क्या होता है, हील्स एंड वेली, जो वेली है वो ऑलवेज डार्क होती है। खाई देखा है आपने, खाई कैसी होती है, गहराई होती है, राइट। और हील्स एंड जो पहाड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, उभरे हुए। पहाड़ कैसे दिखते हैं, हाइलाइटेड, रोशनी जो आती है वो पहाड़ पे आती है, राइट। वो कैसे दिखती है, चमक वाली। तो जो हील्स होती है वो ऑलवेज हाइलाइट होते हैं, वेलीज होती है वो डार्क होती है। तो ये वेलीज है, पाउडर बनाया यानी कि हमने वेली तैयार किया, वहाँ पे हमने डार्क कर लिया और जो हाइलाइट्स है हमारे चेक बॉन्स बॉन्स मतलब जो हड्डी है ये हमारी क्या है, हील्स है। जिस पार्ट को हमें छुपाना है वहाँ पे हमें नीला कलर करना है, जिस पार्ट को उभारना है लाइट कलर का, बस यही पूरा मेकअप है। इसी में ही मेकअप खत्म हो जाता है। इसको उभारना है वहां पे लाइट कलर करो, इसको छुपाना है वहां पे गहरा कलर करो, तो पार्ट छुप जाता है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लग जाए इसलिए हमेशा प्लेट में या टिश्यू पे आप उसको एक्स्ट्रा रिमूव करो। कई बार जीन्स बहुत ज़्यादा गोल गोल होती है तो इस तरह से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। इसका जो लुक है फोटोग्राफी में और उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता, शार्प नजर आता, शार्प नजर। अभी मैंने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया अच्छे से। हम जिस फील्ड में काम करना है इमीडिएटली काम करना है। मैंने फाउंडेशन ब्रश लिया है अभी, राइट मैंने पहले इसलिए तैयार किया है ताकि हमें पता चले कि कितने घंटे बाद हमारा जो मेकअप है वो सेम कंडीशन में रहता है, क्योंकि हम इसके बाद में दो मेकअप और बताएंगे तो तब तक आप भी हमारे साथ होंगे, कमी भी होगी तो भी हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे। डार्क स्किन पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका रंग दबते ही उसके घर वाले जो है वो सब टेंशन में आ जाते हैं। हमारी लड़की तो इतनी बोली थी, आपने इतना काला काला मेकअप कर दिया, ये सब डायलॉग सुनने पड़ते हैं हमें, सही कह रही हूँ मैं? और खास तौर पे पेमेंट देते समय
जहाँ आपको डाउटफुल लगे ना ऐसे लोगों से गवर्नमेंट हमेशा पहले देगा, क्योंकि बाद में ये आपने मेकअप बिगाड़ दिया तो पैसे ही देते हैं, क्योंकि लास्ट में एक्चुअली क्या होता है उन लोगों के पास भी पैसे खत्म हो चुके होते हैं तो फिर वो तब तक जो अच्छा मेकअप है उसको भी वो पूरा ही बता देते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा अगर कटता है तो ब्यूटिशियन का पैसा कटता है, इसीलिए पैसे पहले दे दो। अभी आई मेकअप में मुझे बहुत काम करना बाकी है, उससे फेस बनाया था आई मेकअप का, मान के चलिए सॉफ्टली ब्रश बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, सेम कोई भी फाउंडेशन थोड़ा सा मैं और आपको ना ये क्यों लगाया मैंने ताकि आपको जो हाइलाइट्स एरिया है जो गर्ल्स एंड बेबीज का जो डिफरेंसेस है वो आपको मैं अच्छे से बता दूँ, और अगर आपने किस ग्रेडेशन से मेकअप किया है आपके मेकअप को कोई भी 10-12 घंटे से कम मतलब वो नहीं कर सकता, आराम से आपका जो मेकअप है वो 10-12 घंटे कहीं भी नहीं आराम से चलेगा।
सॉफ्ट कटिंग देना है, इसलिए मैंने हमारा जो कंसीलर था जो रेड टोन था उसी को ही मैंने ब्लश पे दिया है। मुझे सॉफ्ट कटिंग देना है। नीचे हमने क्या किया था, डार्क टोन दिया था ऑलरेडी, और वो हमने इनविजिबल वो है स्किन के अंदर, लेकिन अभी ये रेड टोन डालने के बाद उसकी विजिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाती है, और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, उभर के आती है। येलो टोन ही ऐड किया है,
इसमें भी कलर्स उतने ही आते हैं, वैसे ही आते हैं। इसमें भी येलो कॉपी लिया है मैंने, देख सकते हो आप कितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ। कहीं भी नजर नहीं आ रही, सिर्फ मेरे ब्रश में है पर नजर नहीं आ रही, राइट। ब्रश के ऊपर मैंने नहीं लिया, एक तरह से बहुत लेस क्वांटिटी में लिया ताकि मेरा जो ब्रश का इफेक्ट है वो सिर्फ क्रीम उसका हाइड हो जाए, कलर इंटेंस हाइड ना हो। जो फेशियल स्ट्रोक्स है हमारे फेशियल के मसल्स जो जिस डायरेक्शन में है हमें उसी डायरेक्शन में ही एप्लीकेशन करना है। आप मेरे मॉडल से पूछ सकते हैं मेरा प्रेशर कितना सॉफ्ट है, राइट। ठीक है, कभी भी गले की स्किन और फेस की स्किन में अंतर नहीं होना चाहिए, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, चेहरे चेहरे पे तो खेल लेते हैं लेकिन जहाँ बात आती है हमारे कानों की, हमारी गर्दन की, तो हम लोग वहाँ पे काम नहीं करते। कानों का भी प्रॉपरली आपको मेकअप करना होता है, ईयर्स पे भी प्रॉपरली आपको मेकअप करना होता है। अराउंड द आईज अगर आपको लगता है तो आंखों के आसपास आप फिंगर से टैप कर सकते हो मेकअप। क्योंकि आंखों के आसपास की जो स्किन है कई बार हमारी ब्रश को मारकर रूप नहीं कर पाते, लेकिन हमें जिस तरह से अगर प्रॉपर लेना है तो हमें इक्वली सब जगह देखना है। अब हम अगेन लोअर लिड हमारा जो रह गया था हम लोअर लिड पे काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आंखों के नीचे आपको काम करना है और बहुत देर लगेगी तो हमेशा इस तरह से आईपैड जो हमारी लास्ट वाली जो फिंगर है वो हमेशा टच होती है तो आपकी स्किन के अंदर आपका मेकअप आ जाता है, आपका मेकअप अच्छी हो जाता है। तो हमेशा इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्योंकि मैंने ग्रीन भी एंड में लिया है तो मैं ग्रीन मैंने ग्रीन लिया।
बढ़ जाती है।